जी हाँ, आप लोग जो लेटर यहाँ पे देख रहे हैं, प्रेषक महानिदेशक शिक्षा उत्तर प्रदेश का एक लेटर है। और ये अगर मैं आपको डेट बताऊँ तो ये डेट देख लीजिए, इजीली यहाँ पे मेंशन है, 2 दिसंबर 2022 का ये पूरा लेटर है। और मैं लेटर को अगर दिखाऊँ तो पूरा, तो इतना लंबा लेटर यहाँ पर है बेसिकली, ठीक है। अब मेन जो है इसका वो क्या रीज़न है, ऐसा क्या हो रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये 14,500 यानी 14,500 जो है जो प्राइमरी के स्कूल्स हैं उन्हें जो है पीएम श्री विद्यालय के रूप में उच्चीकृत किया जाएगा। उसी के रिलेट में ये जो है ऑर्डर आया हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इजीली मेंशन है कि पूर्व से संचालित विद्यालयों को पीएम विद्यालयों के रूप में उच्चीकृत किए जाने हैं, तो ऑनलाइन आवेदन किए जाने के संबंध में। ये बेसिकली ऑनलाइन जो है वो आवेदन लेने वाले हैं। अब मेजर क्या है, मेन मोटो क्या है, आइए बहुत मोटे मोटे उसमें समझ लेते हैं बहुत इजी वे में कि कैसे कैसे क्या इसमें होने वाला है। तो देखिए, इसमें सीधे सीधे यहाँ पे मेंशन है कि भारत सरकार का जो है वो इसमें देखिए बहुत इजीली जो है मेंशन है कि इसमें भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित जो है पीएम श्री विद्यालय योजना ये है, जो कि पूरे कंट्री में लागू होने वाला है, ठीक है। ये केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, लोकल बॉडी द्वारा जो भी संचालित विद्यालय हैं, से 14,500 विद्यालय को जो है पीएम श्री विद्यालय के रूप में क्या करना है, उच्चीकृत करेंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या करना है इन्हें कि प्रत्येक विकास खंड से यानी प्रत्येक ब्लॉक से 2-2 परिषदीय विद्यालयों का चयन करना है। यहाँ पे देखिए इजीली मेंशन है। और ये चयन कैसे होगा, पीएम श्री विद्यालय के रूप में उच्चीकृत किया जाएगा इसको, यहाँ पे बहुत इजीली मेंशन है, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित पीएम श्री विद्यालयों के संदर्भ में भारत सरकार के अर्धशासकीय पत्र, ये यहाँ पे पत्र का भी हवाला दिया हुआ है। पीएम श्री जो स्कूल्स होंगे, जो विद्यालय होंगे, उनकी कुछ विशेषताएँ दी गई हैं, ये कैसे होंगी और क्या यहाँ पर चेंजेस होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये पूरी वीडियो में हम आपको बहुत ही क्लियरली बताने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 की अवधारणा के अनुरूप जो है वो पीएम श्री विद्यालयों के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता की शिक्षा को समानता और न्याय संगत और आनंदमय वातावरण प्रदान की जा सकेगी, इनका जो मुख्य उद्देश्य है, जहाँ पर बच्चों की उनकी दक्षताओं के अनुरूप चाइल्ड पैडागॉजी आधारित पाठ्यक्रम से शिक्षण कार्य संचालित किया जाएगा। ये कुछ इस तरह से आप एक तरह से समझ सकते हो कि कुछ एनसीईआरटी के बेसिक फंडामेंटल के हिसाब से ये समझाने वाले हैं या बताने वाले हैं, ठीक है। ये विद्यालय उच्च गुणवत्ता की शिक्षा बेहतरीन से अच्छी प्रयोग के साथ अपने क्षेत्र के अन्य विद्यालयों के लिए आदर्श विद्यालय के रूप में परिभाषित होंगे। एक मॉडल स्कूल टाइप का यहाँ बिल्डअप करने की बात कही जा रही है। और इस विद्यालय को हरित ऊर्जा समृद्ध विद्यालय के रूप में उद्घाटित किया जाएगा, जहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सौर ऊर्जा, ठोस द्रव्य अवशिष्ट, जैविक खेती, प्लास्टिक मुक्त इत्यादि अवधारणाओं को विकसित किया जाएगा। तो इनका ये मुख्य उद्देश्य है। क्या क्या मिलने वाली हैं इसमें, ये भी आपको यहाँ पर देखना है। तो ये कुछ आधुनिक जो है अवस्थापना सुविधाओं से भी लैस होंगे पूरे विद्यालय। यहाँ पे जो पहला है, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, गणित लैब और एक समृद्ध पुस्तकालय से ये पूरे सुसज्जित किए जाएंगे। पैडागॉजी के अनुसार जो है यहाँ पे शिक्षा होने वाली है, खेल आधारित और खोज आधारित शिक्षा पे पूरी तरह से जोर देने वाला है यहाँ पे। और विद्यार्थी के कक्षा के अनुरूप यहाँ पे लर्निंग आउटकम पे विशेष ध्यान देने वाले की बात कही जा रही है, ठीक है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमें समझना है कि इसका चयन कैसे होने वाला है और इसका मूल्यांकन कैसे होने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे हम इसीलिए ऑर्डर के साथ चल रहे हैं, आपको बिना ऑर्डर के कुछ समझाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो हम अपने ऑर्डर के साथ चल रहे हैं। यहाँ पे इनका देखिए बहुत ईजिली इन्होंने मेंशन कर रखा है कि विद्यालयों का चयन एवं मूल्यांकन, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर की नियुक्ति। तो विद्यालयों का चयन और मूल्यांकन कैसे होगा, तो पीएम श्री विद्यालय के लिए भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट अवस्थापना सुविधाओं के छात्र नामांकन संख्या को यूडीआईएस में उपलब्ध आवश्यकताओं के आधार पर मूल्यांकित करते हुए विद्यालयों का चयन किया जा चुका है, जो कि पीएम श्री पोर्टल पर बेंचमार्क स्कूल के रूप में दिख रहे हैं। इन्हीं विद्यालयों में से मूल्यांकन के पश्चात सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में उच्चीकृत किए जाने हेतु प्रस्तावित किया जा सकेगा। अब इसके लिए इन्होंने जो है डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की है, जो कि हमारे जो बीएससी हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी, वो उन्हीं को नोडल बनाया गया है, ठीक है। और इनका जो नॉमिनेशन हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से नहीं बल्कि स्टेट लेवल से हुआ है। और ये जो है इनका जो है सीयूजी मोबाइल नंबर और आधिकारिक ईमेल आईडी, ठीक है, इनको एक अलग से दिया गया है, जिसके ये इनको डीएचओ का जो पावर होता है वो भी इनको मिलने वाला है।
और जो है जनपद की जो भी गतिविधियां हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, इन्हीं के द्वारा होगी। जैसे केंद्रीय विद्यालयों में क्या होते हैं, एक कमिश्नर का पद होता है, तो वही यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर यहाँ पे एज अ देखा जा रहा है। अब जैसे केंद्रीय विद्यालय में क्या होता है कि एक जो प्रिंसिपल होता है, ठीक है, प्रिंसिपल होता है, एक वाइस प्रिंसिपल होता है, लेकिन प्रिंसिपल के ऊपर एक कमिश्नर होता है, ठीक है, तो उसकी उसकी बात यहाँ की जा रही है, उस तरह के अधिकारी की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। यदि किसी जनपद में अगर लॉगिन में कोई दिक्कत होती है तो राज्य स्तर पर ये कोई राजीव नयन गुप्ता जी हैं, सलाहकार हैं, उनका मोबाइल नंबर है, यहाँ पर संपर्क किया जा सकता है। अब जैसे इनके कहने का मतलब ये है कि पीएम श्री विद्यालय हेतु विद्यालयों को आमंत्रित किया जाना, ठीक है, विद्यालय कैसे आमंत्रित किए जाने हैं, क्या होने वाले हैं, तो जनपद पर देखिए लॉगिन पर दिख रहे समस्त विद्यालय बेंचमार्क को डीएनओ द्वारा पीएम श्री विद्यालय में आवेदन हुत प्रतिभाग किए जाने संबंध में अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आमंत्रित किया जाएगा, ठीक है, और जिसके पश्चात संबंधित प्रधानाध्यापक या अध्यापक को रजिस्टर्ड ईमेल और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से एक लिंक प्राप्त होगा, ठीक है। उस लिंक पर विद्यालय के UDAS कोड को अंकित करते हुए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर प्राप्त OTP के द्वारा लॉगिन किया जा सकेगा। उक्त विद्यालय लॉगिन के अंतर्गत संलग्न एक के आधार पर निर्धारित 7 खंड के अंतर्गत कुल 57 जो है वो प्रश्न होंगे, वो पूछे गए हैं, ठीक है, और ये जो प्रश्न पूछे गए हैं ये इनके अकॉर्डिंग जो है उसी प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है जवाब हाँ या ना में चिन्हित किए जाने हैं। अब इनको क्या करना है, इस हिसाब से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसी के हिसाब से वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ है, उसको और देख लेते हैं कि संबंधित बेंचमार्क विद्यालयों के प्रधानाध्यापक सहाध्यापक का तकनीकी प्रशिक्षण, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे जो आपको समझना है कि इसमें होने के बाद आपका एक ट्रेनिंग भी यहाँ पे करवाया जाएगा। बेंचमार्क विद्यालयों को ऑनलाइन किए जाने से पूर्व बेंचमार्क विद्यालयों से संबंधित अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों का तकनीकी क्षमता संवर्धन मोड में अनिवार्य रूप से किया जाएगा, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम समस्त ARP SRG अध्यापकों को जनपद स्तर पर प्रशिक्षित किया जाएगा, तत्पश्चात ARP SRG अध्यापक द्वारा विकासखंड स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ साथ संबंधित अध्यापक द्वारा विद्यालयों स्तर पर भी आवेदन ऑनलाइन किए जाने के सहयोग प्रदान किया जाएगा। आयोजित प्रशिक्षण में निम्न बिंदुओं पर जो है वो विशेष ध्यान दिया जाएगा। पीएम श्री पोर्टल पर संबंधित अध्यापक को आमंत्रण प्रेषित किए जाने की प्रक्रिया और संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक या अध्यापक द्वारा लॉगिन करते हुए जवाब अंकित किए जाने या आवश्यक अभिलेख अपलोड किए जाने की प्रक्रिया कैसी होगी वो भी यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है, और संलग्न एक के अनुसार निर्धारित जो है विकास जो निर्धारित 7 खंड के समस्त 57 जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनकी जानकारी, उनके प्रश्न को कैसे उत्तर देना है, उनके बारे में क्या क्या हमें बात करनी है वो भी यहाँ पे देखा जाने वाला है। अब तो बात कर लेते हैं पीएम श्री विद्यालयों के संबंध में उत्तरदायित्व होंगे, उसका निर्धारण कैसे किया जाएगा, क्या उत्तरदायित्व होंगे, तो देखिए समस्त जो बेंचमार्क विद्यालय को पीएम श्री विद्यालय को आमंत्रित किए जाने के साथ स्वयं ऑनलाइन आवेदन साथ ऑनलाइन आवेदन किए जाने की जो प्रक्रिया होगी ना, उससे संबंधित जिला विशेष शिक्षा अधिकारी के सघन पर्यवेक्षण और निरीक्षण में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा कि आपके जनपद के 100% बेंचमार्क विद्यालय का जो आवेदन है वो प्रेषित हो जाए। ARP SRG अध्यापकों की सक्रियता, तकनीकी जानकारी, आवेदन प्रक्रिया इत्यादि को संबंधित जिला विशेष शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में जिला समन्वयक प्रशिक्षण, जिला समन्वयक MIS एवं जिला समन्वयक निर्माण द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जाएगा। यूँ समस्त विद्यालयों का 100% आवेदन दिनांक 31/12/2022 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण किए जाने के पश्चात दिनांक 15 जनवरी 2023 तक पीएम श्री विद्यालय हेतु आवेदित विद्यालयों का जनपद स्तरीय सत्यापन सुनिश्चित करेंगे। ये पूरा डिटेल है, ठीक है, तो जो मोटा मोटा डेट है वो क्या है, वो 31 दिसंबर को ये लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने का, और जो 15 जनवरी को क्या होगा, 15 जनवरी को ये पूरा बताने वाले हैं, मतलब पूरा सत्यापन वगैरह इनके द्वारा कर दिया जाएगा। अब देखिए पीएम श्री विद्यालय के संबंध में जनपद स्तरीय यूजर मैनुअल या विद्यालय स्तरीय यूजर मैनुअल को पृथक से संकलन किया जा रहा है। पीएम श्री विद्यालय के संबंध में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या हो तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और ये कॉल यहाँ से यहाँ तक ली जाएगी, तो इसका तो बहुत ज़्यादा हमें वो नहीं है, आप चाहें तो ये मोबाइल नंबर है इस पर कॉल कर सकते हैं 7771 एक नंबर ये है, दूसरा नंबर है 9354269726।
ठीक है, ये हेल्पलाइन है, अगर आपको कोई भी टेक्निकल इशू आती है तो आप यहाँ पे जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए नॉर्मली लिखा भी हुआ है, आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए, और ये जो महानिदेशक हैं श्री विजय किरण आनंद जी, उनकी उनका ये लेटर है, और ये 2 दिसंबर का लेटर है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इस पर कार्रवाई अभी तक शुरू हो गई होगी। अब हम आपको थोड़ी सी चीज़ इसमें समझाते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका विद्यालय इसमें लिस्ट में है या नहीं है। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा था कि जो भी विद्यालय हैं उनका जो डिटेल है वो लॉक कर दिया गया है। अब ये लॉक किस किस बेस पे किया गया है, सबसे पहले UDIS के बेस पे लॉक किया गया है, ठीक है। अब UDIS में जितनी भी जो इस आदेश के हिसाब से लग रहा है उसमें यही लग रहा है कि जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी वो उस हिसाब से है। अब ये ब्लॉक लेवल पे जितने भी स्कूल होंगे, ठीक है, तो इसमें 2 विद्यालय को जो है वो किया गया है। मोस्ट प्रॉब्लली यही है कि जहाँ छात्र संख्या ज़्यादा होगी, जो विद्यालय अच्छे कंडीशंस में होंगे, वहीं उसी विद्यालय को ये लोग जो है वहाँ पे भेजे होंगे, लॉक करवाए होंगे। तो ये डिटेल जो है वो पता चल जाएगा आपके BEO के द्वारा, या आपके BSA के द्वारा, या आपके जो समन्वयक हैं ट्रेनिंग के, उनके द्वारा, इन लोगों के द्वारा जो है ये चीज़ें आपको पता चल सकती हैं कि हाँ आपका स्कूल इस लिस्ट में है या फिर नहीं है। ये है ना कि 14,500 विद्यालयों को जो है वो बनाना है इनको PM श्री विद्यालय। अब ये ऑनलाइन जो आवेदन लेंगे वो पर ब्लॉक से 2 स्कूल का आवेदन लेंगे, उसके बाद देन ये डिसाइड होगा कि हाँ उस कौन सा वो विद्यालय हुआ है और कौन सा वो विद्यालय नहीं हुआ है। तो इसके लिए अभी आप लोग जो भी डिटेल्स वगैरह है उसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। कोई भी चीज़ें अगर इसमें आपको समझ में नहीं आती है तो नॉर्मली कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और ये जो डिटेल है उसकी डिटेल को मैं जो है वो PDF इसकी दे दूंगा, ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा और अच्छे से कैसे है। ये बेसिकली ऐसे था, आपको समझना है बेसिकली इनको क्या करना है, अपने अपने लेवल पे जो है वो बनाना है स्कूल्स को। तो सबसे पहले क्या है कि इसमें जो मेन मोटो ये है कि ये टोटल जो है NCERT के बेस पे होगा, ठीक है, और ये जो NCERT बेस पे ये स्कूल होगा इसमें बहुत सारे फैसिलिटीज़ भी मिलने वाले हैं। अब डिपेंड करता है कौन से स्कूल सेलेक्ट होने वाले हैं। ये जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो वहाँ के BSA और जो BU हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई करवाएंगे, उसके बाद देन फाइनल जो रिज़ल्ट आएगा कि हाँ कौन कौन से स्कूल सेलेक्ट हुए वो सेंट्रल से ही सिलेक्ट होना है। तो उसके लिए भी आप अगर टीचर हैं या फिर आपका आप अगर मैनेजर हैं अपने स्कूल के, तो आप देख सकते हैं कौन कौन से विद्यालय जा रहे हैं या फिर कौन कौन से विद्यालय को वो सुविधा मिल रही है जिनको एक PM श्री विद्यालय के रूप में जो है उनको उच्चीकृत किया जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव फैक्ट को लेकर। अभी के लिए बाय।